नाम सर्बजीत कौर है और जे मुदल गांव के रहने वाले और इनके हस्बैंड की गवाही जे जे बता रहे कि जे 12 साल से ड्रिंक का नशा करते थे जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान हो चुकी थी। और इन्होंने बताया कि जब भी जे ड्रिंक कर घर आते थे तो जे बहुत ज्यादा कलेश करते थे और जितना भी जे कमाते थे जे ड्रिंक के नशे में ही खर्च कर देते थे और जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे कि जब भी जे नशे में घर आते तो इनके बच्चों को जो इनको जो मार पिटाई भी करते थे और जो बहुत परेशान हो चुके थे। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी धार्मिकता भी की कि जो नशे से आजाद हो जाए। पर जो बता रहे कि इन्होंने बहुत सारे सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए, 12 साल हो चुके थे, जो बता रहे कि 2-3 साल तक जो बाबों के पास भी जाते रहे और जो भी वो इनको करने के लिए कहते थे वो करते थे। और जो बता रहे कि फिर भी जो नशे से इनको छुटकारा नहीं मिला और जो बहुत परेशान हो चुके थे। और इन्होंने बताया कि सबसे पहले इनके घर से इनके इनके मदर आते थे इस संगति में और वो विश्वास करते थे। और जैसे उन्होंने इनको गुड न्यूज दी और जैसे जो सिस्टर फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए और जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर जी मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पति को भी संगति में लेकर आ चुके और जो विश्वास में बने रहे। और इन्होंने बताया कि बाद में इनके हस्बैंड भी संगति में आना शुरू कर दिया और वो नशा तो कर रहे थे पर जैसे उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर जी आप नशे से इनको फ्री कर चुके हो। और इन्होंने बताया कि जब इन्होंने 13 मार्च थर्सडे की मीटिंग को पेपर के ऊपर इन्होंने जो प्रॉब्लम को लिखवाया और जैसे ही इस ब्रदर के लिए ले हैंड हुई, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। और जे बहन ने बताया कि अभी इनको इस मिनिस्ट्री में आते हुए सिर्फ 4 महीने हुए तो जैसे इनके लिए ले हैंड हुई और परमेश्वर ने इस नशे से पूरी तरह से इनको आजाद कर दिया है। आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि जे ब्रदर अभी नशा भी नहीं करते, जितने भी पैसे लेकर आते जे घर में देते हैं, कोई भी इनके घर में झगड़ा नहीं होता। जे बहुत खुश है और हर एक संगति में भी आ रहे हैं और इस गुवाही के लिए जे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी कितना कितना टाइम हो गया, कितना आज नशे की नशा किए हुए कितना टाइम हो गया? आज तीसरा हफ्ता हो गया पापा जी। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, अब कितना टाइम हो गया नशे को छोड़े हुए? आज 3 हफ्ते से नहीं पी सरा। 3 हफ्ते? हाँ 3 हफ्ते हो गए। हाँ हाँ बोलो क्या है? 3 हफ्ते हो। जो बंदा 12 साल से बोलो क्या है, एक दिन भी उसका नहीं निकलता, आज 3 हफ्ते हो गए, बोलो क्या है? और इस चीज के लिए इनकी पत्नी ने और इन्होंने भी अलग अलग जगह की धार्मिकता की, सब कुछ गए, बहुत सारे बाबाओं के पास भी गए, पर कोई भी हल, बोलो क्या है, कोई हल नहीं हुआ। अलग अलग एक जगह छोड़ दिया और दूसरी को पकड़ लिया कि शायद यहां से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। समझ आ रही है? कभी कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर हुआ कुछ नहीं। पर एक दिन इनकी, आपके क्या लगते हैं वो बीजी जो है? मेरी सासू माँ। हाँ, जो सासू माँ है, क्योंकि वो इस मिनिस्ट्री में आते थे और वो इन्हीं परमेश्वर के बारे बताते थे कि आप परमेश्वर को जान लो, आपका सही हो जाए। तब ये आप तब क्या सोचते थे आप? मैंने गुस्सा लगता है। ओह, गुस्सा लगता था। हाँ, कि क्यों गुस्सा को लगता ना? मैंने गुस्सा लगता है, मैं बड़े थावां ते जा के थक गई हूं, मैं इत्थे नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। हाँ, गुस्सा लगता था। हाँ जी। और आखिरकार आपकी सासू माँ की चाहत और वो बताते रहे और परमेश्वर आपको लेकर आया और 4 महीने पहले आप आए, अपने परमेश्वर के सत्य को समझा और अपना शांस दिया। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, छोटी थी, 12 साल से घर में झगड़ा, कोई आशीष नहीं, जितने पैसे लेकर आने सारे दारू में, नशे में।
हाँ कितना घर में मारपीट, कितना लड़ाई झगड़ा, समझ आ रही है? ये जीवन है कोई? पूछो इनसे, जब ऐसा, अब तो ये खुश हैं, जब ऐसा माहौल इनके घर में होगा, हाँ तब तब और अब सोचें तो कैसे लगता है? उस समय की बात को सोचें तो पता नहीं क्या क्या मन में विचार आ सकते हैं, हाँ? कैसे हमारा जीवन था, और 12 साल ऐसे निकले, उसी की वजह से कर्जा भी हो गया था। हाँ जी पापा जी, कर्जा भी हो गया, कितना हो गया था कर्जा? 1.5 लाख दे लागे चल गया गा पापा जी। और 1.5 लाख रुपया कर्जा भी हो गया, क्योंकि काम तो करते थे मगर पैसे किस चीज में, कोई आशीष नहीं, सब कुछ किस में चला जाता था, कुछ नशे में, कुछ ऐसे ही, कोई आशीष। और आज देखो, बोले क्या है, आज देखो ये आप आपके सामने है, और परमेश्वर ने ब्लेस किया है, छुटकारा दिया है, बोलो क्या है, छुटकारा दिया है, और ये आज आपके सामने है, ये पूरी तरह फ्री है। यस हाँ, अभी कोई आप कितना खुश हो अभी आप? पापा जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं इन्हों क्या ही तो ही ना छड़ी तो मैं बच्चे लाके किराए ते चल जाना वा। ओ देखो ये आंदे ही कोई नहीं तू चल जी जे जाना ते। देखो पर मैं जिद्दन दी परमेश्वर से आउण दी मैं विश्वास कीता भी नहीं है छड़न के हुण इन्ना छाड़ दित्ती है। ओ तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से, अपने हाथों को उठा कर उठे ना डोलिया ते, दोनों हाथों को उठा कर ना डोलिया ते, मैं कोई तवीत ना बनदा हां, ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है के मैं यीशु मसीह नु मनदा, ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है के मैं यीशु मसीह नु